डियर स्टूडेंट्स, माय नेम देवाराम प्रजापत। वेलकम टू आनंद इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अवर सिलेबस एंड टुडे वी विल डिस्कस अवर चैप्टर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो लेट्स सी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर सर्वाइवल। जितने भी जीवित प्राणी होते हैं उन्हें अपने भोजन के लिए, अपने अस्तित्व के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड प्रोवाइडेड द इसेंशियल न्यूट्रिशंस। भोजन से हमें हमारी जो इसेंशियल, जो आवश्यक न्यूट्रिशंस होते हैं वो मिलते हैं। ये हमारे जो मेन इनके पार्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो अनाज सेरेलैक्स वगैरह इनसे मिलते हैं, फैट्स वसा जो दूध दही घी मक्खन इनसे मिलते हैं आपको, प्रोटीन्स जो भी प्रकार की दालें होती है उनसे आपको प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन एंड मिनरल और कई प्रकार के विटामिन और मिनरल इनसे ऑब्टेंस होते हैं। That are required by the body, जो हमें हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है इनकी, of the organisms to perform various life activities। किसी भी जीव को अपनी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए जो फूड की एनर्जी की अवेलेबल होती है, जो ऑब्जर्व करने की होती है, वो हमें इनसे ग्लूकोज वगैरह इनसे हमको अवेलेबल होते हैं। ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट कैन मेक देयर ऑन फूड। ऑर्गेनिजम्स, कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स है, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, जबकि कई प्रकार के जो जीव होते हैं या पशु वगैरह होते हैं उसके अंदर, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स जिसके अंदर मानव भी है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। Cannot make their own food, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। All animals are directly and indirectly depend on plants to fulfill their food requirement। यानी कि जितने भी animals होते हैं वो अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए direct या indirect रूप से कहीं ना कहीं plants पर depend होते हैं, ताकि वो अपने जो body की जो necessities होती है energy की, वो उनको submit कर सके। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कई टाइप्स के होते हैं, पोषक कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है ऑटोटॉपिक, इसकी डेफिनेशन होती है द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ, वर्ड से ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोपोस मीन्स न्यूट्रिशन और ट्रोपोस का मतलब न्यूट्रिशन होता है। द ऑर्गेनिजम्स मेक इट्स फूड इट्स सेल्फ फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंस इट्स कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी कि वे एनिमल्स जो अपना भोजन जब आप स्वयं बना सकते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर एग्जांपल्स, ऑल द ग्रीन प्लांट्स जितने भी हरे प्लांट्स होते हैं एंड सम बैक्टीरियाज और कई प्रकार के बैक्टीरियाज होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको सबको हमने ऑटोट्रॉपिक्स के अंदर रखा हुआ है। सेकेंड है हेटरोट्रॉपिक, इट मीन्स द वर्ड हेट्रो मीन्स अदर, हेट्रो का मतलब होता है दूसरा एंड ट्रोपोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ट्रोपोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। दिस हेटरोट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम अदर, हेटरोट्रॉपिक्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन जो किसी अन्य से ऑब्टेन किया जाता है, किसी अन्य से लिया जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स दैट कैनॉट मेक देयर फूड, यानी कि जो न्यूट्रिशंस जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड, और जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उनको हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, इसमें एग्जाम्पल इनका होगा एनिमल्स कई प्रकार के पशु पक्षी एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स और जो हरे प्लांट्स नहीं होते आर हेटरोट्रॉपिक्स, वो हेटरोट्रॉपिक्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने इस न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटरोट्रॉपिक्स, इसको डिटेल से हमने डिस्कस किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।